हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल जिया गार्डनिंग में। आज हम अपने गार्डन में फिर से आ चुके हैं कुछ नया बनाने के लिए, वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो आज मेरे पास वेस्ट पड़ी हुई थी, एक पीवीसी की पाइप, छोटा सा पीस पड़ा था उसका, तो चलो आज उसी से कुछ नया बनाते हैं। तो सबसे पहले मिक्सचर रेडी कर लिया था मैंने, सीमेंट और सैंड का इस तरीके से। और ये एक ट्रे ले ली थी, जो प्लांटर ट्रे होती है नीचे हम रखते हैं गमलों के, ये ले ली थी। और इस तरीके से ये पीवीसी का पाइप पड़ा हुआ था, थोड़ा सा नीचे से टूटा भी था, बट इसी को हम यूज़ करेंगे आज अपने गार्डन में। तो इस तरीके से ये सेंटर में इस तरीके से रखकर मैंने इसको प्लेट में सेट करने के लिए पाइप को रख दिया था। आप लोग भी इस तरीके से रख लेना, छोटा सा पीस था ये, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो और ये ऐसे टूटा हुआ था, तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था टूटा वाला, और बाकी को मैंने इस तरीके से इसमें ट्रे में सेट कर लिया। इसको सेट होने के लिए कम से कम एक दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, और बीच बीच में पानी जो है वो देते रहना, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, नहीं तो सीमेंट जो है वो फट जाता है। तो इसको सूखने के बाद, जब एक दिन के बाद अच्छे से सेट हो चुका था, तो फिर मैंने इसको इस पीवीसी पाइप में होल्स करने थे। तो इसके लिए मैं इसको किचन में ले आई थी, क्योंकि फिर बार बार ऐसे गर्म करके होल्स करना, फिर अंदर बाहर करूँगी, तो इसीलिए मैंने किचन में लेकर आई थी। और सारी पाइप्स में मैंने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के पूरी पाइप में मैंने होल्स जो थे वो कर लिए थे। पूरे होल्स हो चुके थे इस तरीके से पाइप में। अब नीचे की तरफ मैंने थोड़ा कलर जो था वो कर लिया था, ताकि थोड़ा सुंदर सा दिखे प्लांटर, तो इस तरीके से कलर भी कर लिया था। अब मैंने इसमें मिट्टी जो थी वो डाली थी, तो इस तरीके से पूरी मिट्टी डाली थी, क्योंकि फिर मुझे इसमें क्या लगाना था, पॉटोकोला की कटिंग लगानी थी। तो इस तरीके से कटिंग लगाने के लिए पहले मिट्टी डाल दी थी मैंने, तो इस तरीके से पूरी अच्छे से मिट्टी जो थी वो मैंने दबा दबा के डाली थी। और इसके बाद फिर मैं इसमें कटिंग लगा दूंगी पॉटोकोला की, जिसको हम दिन की रानी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये मिक्स कलर है मेरे पास, सारे कलर मिक्स हैं, तो इस तरीके से फिर मैं सारी इस तरीके से हेल्प से होल्स में सारी कटिंग जो है वो लगा दूंगी। जब भी इसमें फूल पड़ेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से सारी कटिंग जो है वो मैं पूरी पीवीसी पाइप में लगा दूंगी। इस तरीके से पूरी कटिंग लगाने के बाद अब इसमें स्प्रे के साथ पानी दे दिया था। और ये नेक्स्ट डे का था, जिसमें थोड़े से फ्लावर जो थे वो खिले हुए थे, तो ये मिक्स्ड कलर लगाए थे, तो ये देखने में भी बड़े प्यारे लग रहे थे। आप लोग भी इस तरीके से पीवीसी पाइप का वेस्ट जो पड़ी रहती है आप लोगों के घर में, एक्चुअली जब काम लगवाते हैं तो थोड़ा बहुत कट पीस जो है वो बच जाते हैं, तो आप लोग इस तरीके से इसका यूज़ करिए अपने गार्डन में, और नए प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल भी हमारा यूज़ में हो जाएगा, और हमारा गार्डन में एक नया लुक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। साथ में ही मैंने उसी दिन ये एक प्लांटर जो स्टैंड बनाया था, जिसमें मैंने स्पाइडर प्लांट जो लगाया हुआ गमला, तो ये भी उसी दिन मैंने सेट किया था। ये पाइप पड़ी हुई थी, जैसे रेलिंग लगाते हैं हम स्टील की, तो ये उस टाइम बच जाती है, तो इसका भी मैंने एक प्लांटर जो है वो रेडी कर लिया था। इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को आइडिया कैसा लगा है, और जो मेरे पिछले ब्लॉग्स हैं आप लोगों को कैसे लगते हैं, जिसमें मैं वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके गार्डन के लिए कुछ ना कुछ नए प्लांटर रेडी करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई क्रिएटिविटी के साथ। बाय बाय।